हाँ, ये फिल्म एक्चुअली यूटीवी के साथ मेरा एक दूसरी फिल्म के लिए बात चल रही थी। उस फिल्म का नाम है गोल, जिसमें जॉन इब्राहिम है, बिपाशा है। तो वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गया था, उसी बीच में फिर नसीर भाई के बेटे का एक्सीडेंट हो गया और उनको ये फिल्म जल्दी रिलीज़ करना था, ये वर्ल्ड कप से पहले रिलीज़ करना था। इसलिए उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि उसको छोड़ के इसमें आ जाओ। तो इस फिल्म में जो आपका किरदार है वो थोड़ा सा एक रिटायर्ड ये दिखाया हुआ है, क्रिकेट टीम का कैप्टन दिखाया हुआ है, तो क्या, लेकिन फिर भी एक कॉमेडियन का रोल है, लेकिन आप तक तो अभी तक तो आपने ऐसे कभी रोल किए नहीं है, तो कितना टफ है? नहीं, कोई भी कैरेक्टर जो है, मैं कहता नहीं हूँ कि ये कॉमेडियन है या विलन है या हीरो है, मैं उस हिसाब से नहीं देखता। जब कभी भी मेरे पास कोई रोल आता है तो मैं उस कैरेक्टर को समझने की कोशिश करता हूँ। ये कोई ऐसा नहीं कि बफूनरी कर रहा है यार, ऐसा कॉमेडी नहीं है ये। आउट से ही इज़ अ वेरी प्लेजेंट काइंड ऑफ अ गाय, वेरी पॉजिटिव थिंकिंग गाय, जो हालांकि खुद हॉस्पिटल में है, डेथ बेड पे है, मगर उसका थिंकिंग जो है ना बहुत पॉजिटिव है। वो अच्छा सोचता है, पॉजिटिव सोचता है और चाहता है कि लोगों को खुश रखे, खुद भी खुश रहें और अच्छे अच्छे बातें करें। तो आई डोंट लुक एट हिम एज अ कॉमेडियन रियली। आजकल जो बॉलीवुड में ज़्यादातर देखा गया कि फिल्म जो होती है उसमें विलन का बहुत कम आजकल नहीं ज़्यादा देखने को मिलते, तो आपको क्या लगता है ये क्या विलन जो कम होते जा रहे हैं इंडस्ट्री में बॉलीवुड में? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। विलन्स हैं अभी भी, मगर विलन्स का जो कैरेक्टर्स जो है ना, उसका प्रेजेंटेशन जो है, लकीली वो चेंज होके अच्छा हो गया। अभी बिलीवेबल कैरेक्टर्स हैं। ऐसा लगता है कि ये विलन्स बिल्कुल वो कन्वेंशनल विलन नहीं लगता है, जिसमें कि आंखें फाड़ फाड़ के और नथुने फुला के इस तरह बात करते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी विलन हो सकता है आज। और इसीलिए आज आप देखेंगे कि कोई भी लीड एक्टर, जैसे अमिताभ जी हैं, शाहरुख भी हैं या अजय देवगन है, कोई भी अच्छा अगर कैरेक्टर हो जो नेगेटिव भी हो तो करने को तैयार हैं आज। उसका रीज़न ही यही है कि विलन का जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह राइटर जो है विलन को, जिस तरह कैरेक्टर को लिखते हैं, वो लिखने का अंदाज बदल गया है। आज का विलन जो है ना बहुत ही रियलिस्टिक है। मेरे ख्याल से हर कैरेक्टर अब स्लोली रियलिस्टिक होता जा रहा है, और हम इस हिसाब से नहीं सोचते हैं आज कि मैं हीरो हूँ तो मैं डांस करूँगा, ये विलन है तो डांस नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। विलन भी गाना गा सकता है आज, और हीरो भी नेगेटिव काम कर सकता है। एक तरह ये खत्म कर लूँ, उसके बाद जब कमबैक कर रहे हो तो आपको क्या लगता है कि अब आप कौन सी इमेज से वापस आओगे, क्या कॉमेडियन, विलन? नहीं, मेरा तो वैसे भी कोई इमेज था ही नहीं पहले। मैंने पॉजिटिव कैरेक्टर्स भी किए हैं, लीड रोल्स भी किए हैं, रोमांटिक भी किए हैं जैसे बुलंदी में किया था, और नेगेटिव रोल्स भी किए हैं। तो बट मोस्टली हुआ ऐसा है कि नेगेटिव कैरेक्टर्स जो है ना बहुत स्ट्रांग थे, जैसे अमित जी के साथ था तो लोगों ने ज़्यादा नोटिस किया उसको, इसलिए लोगों ने सोचा कि ये विलन है। बट इफ़ यू रियली सी, जितने भी अवार्ड्स भी मुझे जो फिल्म फेयर अवार्ड्स या कोई दूसरे अवार्ड जितने भी मिले हैं, वो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में मिला है, नॉट इन द विलन। सो प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज अ विलन और अ कैरेक्टर एक्टर। मैं इस हिसाब से सोचता हूँ कि जो भी रोल हो, जैसे कोई रोमांटिक रोल हो तो आई विल बिकम रोमांटिक, और इफ़ इट इज़ अ बैड मैंस कैरेक्टर आई विल बिकम बैड, और इफ़ इट इज़ गुड मैंस कैरेक्टर आई विल बिकम गुड। वो कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच। वेलकम।